हम इस वीडियो में आज तक जो रिजल्ट आया यानी आज भी कुछ कोर्सेज का रिजल्ट आया उसके बारे में हम सबसे पहले एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज एएमयू एग्जाम कंट्रोल पर सिंपली विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद इस तरीके का आइकन आएगा, इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद देखिए आपके बहुत सारे ऐसे भी क्वेरी होते हैं जिनको डायरेक्ट रिप्लाई करना मुश्किल होता है, तो ऐसे में मैं ये कहूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक आप मुझे मैसेज वहाँ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, पर वहाँ आपको मैसेज करना पड़ेगा। ये रहा ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर का ऑफिशियल वेबसाइट, हमने इस पर क्लिक किया है। हालांकि थोड़ा सा कनेक्टिविटी थोड़ा ढीला पड़ा ऐसा लग रहा है, बट फिर भी थोड़ा हम वेट करते हैं। इस तरीके का आइकन आपको दिखेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ दिख रहा है रिजल्ट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, एमबीए एग्री बिजनेस, बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज का रिजल्ट फाइनली आ गया, तो हम इस पर सिंपली इसी पे ही क्लिक कर देते हैं। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे फिर से एक आइकन ओपन होगा। इंपॉर्टेंट इस सब में ये है कि सबसे पहला अभी जब मैं रिजल्ट पे ले आता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट इस सब में चार पाँच बातें हैं, हर रिजल्ट में चार पाँच बातें जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला ये कि आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, जब तक वेबसाइट ओपन हो जाए ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, उसके लिए आपको नोटिफाई नहीं किया जाएगा बल्कि नोटिस आएगा। जैसे अभी 11th वाले जो कैंडिडेट है यानी 11th में ह्यूमैनिटी आर्ट्स एंड कॉमर्स और डिप्लोमा इवन बीएससी का भी बीटेक का भी ऑनलाइन काउंसलिंग जो हुआ, तो उनको पहले नोटिस आया था, उसके बाद उन सारे कैंडिडेट को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को कहा गया था। ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे? जिसका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में, चांस मेमो में और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में नाम आया हो, तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली एमबीए एग्री बिजनेस का आ गया है, और उसके बाद देखें तो बीएससी एग्रीकल्चर का आ गया फाइनल, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ क्वेरी आ रहा था इस पर। तो हम इसमें सिंपली किसी एक को डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है कि भाई जो कहानी है ना सब में कॉमन है, बट कुछ बस फ़र्क ये है कि स्टूडेंट्स का नाम अलग अलग लिस्ट में होगा और उसके अलावा बस कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे ये देख सकते हैं इसमें साफ मेंशन है ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, और इसमें साफ ये बताया कि भाई इनको जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसके लिए सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेटेड रहना है, और हालांकि मैं कहूँगा अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।